हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो आज है सैटरडे और कल का ब्लॉग वहीं पे एंड हुआ क्योंकि बाद में हमने कुछ शूट ही नहीं किया है ना शीनू। हम लोग कल गए थे आधार कार्ड बनवाने और डीमर्ट, लेकिन हम लोग जब आए रिटर्न तो बहुत थके थे, बहुत धूप है बाहर भाई। इतना पानी पीने के बाद भी, इतना हाइड्रेशन मेंटेन करने के बाद भी डिहाइड्रेट हो चुके थे, पूरी एनर्जी डाउन हो चुकी थी पूरी की पूरी। तो हाँ, तो कल तो बहुत थक गए थे, कुछ शूट नहीं कर पाए। तो देखते आज क्या क्या करते हैं। तो अच्छा लग रहा है, मम्मा क्वेश्चन कर ठीक है। मम्मा को तो यार हां चली माती दादी, मैं खुद माती दादी गया था। सीधा सीधा स्टार्टिंग पर सुनो ना, काफी दिन बात तो नहीं आ रहे प्लीज बड़ा। हां तू मुझे भी ए तिकर नको, तू प्लीज बड़ा तिकर नको तू। माती माती येते झाडांची धूळ ना झाडाची सुकले सगळं शिनू एवढं पाणी उतरतोय कुंडीत, सगळं चपचप केलं सगळं ते कुंडीला, थोडस पाणी होत असेस बळा, एवढं पाणी नसतं त्याच। ओलं कोलं जे नळ बंद करून बाथरूम मध्ये जाऊन पाणी उतर चाललंय। ठीक आहे, सी माय बुशी सिंगोनियम। ये ना सिंगोनियम पहले इसमें था और इसमें ऑलमोस्ट है ना 1 ईयर तक था ये सिंगोनियम। फिर मैंने इसको अभी 1 महीने पहले इसमें रिपॉट किया बड़े वाले पॉट में, ये अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसको बस पानी चाहिए होता है, इनफ पानी, ताकि इसकी मिट्टी गीली रहे, ज़्यादा भी गीली नहीं थोड़ी सी गीली। तो जब तक ड्राई हो जाए फिर तब नया पानी डाल सकते हैं आप। ये मेरा रेन लीली जिसको सिर्फ एक ही बार फूल आए थे, उसके बाद कभी नहीं है। इसको मैंने वर्मी कंपोस्ट भी दिया रेगुलरली, ट्वाइस इन अ नहीं वंस इन अ 2 मंथ। हाँ ये देखो स्नेक प्लांट, इसका कटिंग ना मैंने इसमें लगाया, देखो ये अच्छे से ग्रो कर रहा है लेकिन बहुत स्लो ग्रो कर रहा है। पहले ना बस ये एक ही लीफ था, देखो अंदर अभी इसमें ना 2 है, एक और ये 2 है। तो मतलब ये ग्रो कर रहा है लेकिन बहुत धीरे ग्रो कर रहा है, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए लेकिन कुछ इसकी हाइट नहीं बढ़ी। और ये तो मैं बाहर गई थी तो पूरा झड़ चुका था, तो फिर से पानी देने के बाद छोटे छोटे लीव्स पत्ते आने लग गए हैं। हिबिस्कस का ये है जासवंत फूल, रेड फूल। लंच का टाइम, तो चलो लंच करते हैं। आज लंच में है नॉर्मल मसाले भात, महाराष्ट्रीय मसाले भात, जो कि मैंने ज़्यादा तीखा नहीं बनाया क्योंकि शिनू भी खाने वाला है ना। शिनू तो क्या खाना है, मसाले भात खाना ना, मसाले भात कोणी बनवला, मम्मा ने। शिनू मम्माला हेल्प करना ते ग्लास घेऊन जाना, मम्मा प्लेटात दे आपल्या दोघांसाठी, हे घे तुझा ग्लास घेऊन जा। मोठा टच शिनूला, ओके मोठा ग्लास शिनूला।
चल जेवण करू बस खाली हळूच ठेव ग्लास बस इथं. तो गाइस अभी हम कर रहे हैं लंच. लंच में जैसे कि मैंने बोला मैंने बनाई है एकदम लेस स्पाइसी महाराष्ट्रियन मसाले की. खा रहे ज्यादा स्पाइसी नहीं खाता वो है ना सबको जैसे तिखट नहीं खाता और शिव अपने हाथों से खाता है. चलो धीरे धीरे सब कुछ सीख रहा है ना शिव. चलो अपने मुखा होता पापा कुठे गेले शिनू पप्पा ऑफिसला गेले. कधी येणार पप्पा दुपारी संध्याकाळी. तो गाइस अभी लंच हो चुका है तो मैं जस्ट बैठी हूँ ऐसे चिल कर रही हूँ सोफे पे. लेकिन शीनू तो शांत बेटा उसका वही अपना वाटर गन लेके शुरू हो गया मस्ती अपनी. देखना है देखो वो वही उसका चलता रहता है दोपहर के टाइम पे. क्या कहते शीनो तिथे नको ना माती मातीत खेळत बसू. मी तुला कुठे सांगितलं उडवायला. अरे ओढ ओल केला ऑलरेडी कचकच शिनो तू इकडे बघ जरा माग माग बघ जरा काय करतो तू. मी हातातून गन घेतली तर कसं होईल तुझं बघू मला बघू. थांब मी 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 मारतीये थांब दे ना 2 मिनिटं. तो अभी का तो कुछ फिलहाल प्लान नहीं है. बस अभी प्रमोद थोड़ी देर में आ जाएंगे ऑफिस से तो आइसक्रीम खाएंगे. कल दिमाग से लाई हुई आइसक्रीम खानी है. हाँ. मैंगो आइसक्रीम मैंगो आइसक्रीम तो हमको बटर स्कॉच और मैंगो आइसक्रीम अमूल की बहुत अच्छी लगती है बहुत. बस ये 2 फ्लेवर्स हमको सिर्फ अमूल की अच्छी लगती है. बाकी फ्लेवर्स अच्छे लगते हैं किसी और क्वालिटी वॉल्स या बहुत सारे ब्रांड्स है एक्चुअली शॉप में और वहाँ पे भी डीमार्ट में. लेकिन मुझे तो अमूल का ही मैंगो बहुत पसंद है बहुत मतलब बहुत. तो हाथ ऊपर में आइसक्रीम की पार्टी होगी. समर स्टार्ट हुआ ना यही मजे होते हमारे पता है. हर दोपहर में कभी टैंग पियेंगे कभी नींबू शरबत पियेंगे कभी वाटरमेलन खाएंगे तो कभी अगर कभी कबर बाहर गए तो हाँ गन्ने का जूस भी पियेंगे. बहुत इसका ना अलग ही मजा था दोपहर के टाइम पे ये सब पीने में. शिनो काय के रे तू खाली काय करते तू इतो. ये अपने डब्बा खोल के ना ऐसे कुछ ना कुछ ढूंढते रहते. सग मी देते काढून खजूर खायचे का तुला. देते इसको ना हाइड एंड सीक बिस्किट खाने का लाया तो दोनी दोनी. एका दिवसाला सगळे संपायचे. देते थांब पप्पा राग होते ना शिनू चांगला ना हाइड एंड सीक पप्पांनी कधीतरी असं चेंज म्हणून खायला घेतलंय रोज रोज खायला नाही घेतलंय. तो गाइस अभी हम खा रहे मैंगो आइसक्रीम फ्रॉम अमूल. अमूल की मैंगो आइसक्रीम खरीदी है बच्चा. देखो शिनू काय करून घेतलं तू आइसक्रीम तो पप्पांकडून. पातळ करून घेतलं. नाही चांगलं अमूलची क्वालिटी मग दुधाचीच क्वालिटी त्यांचं मस्त लागतं मला तर त्यांचंच मला मँगोच आहे. एवढं ब्रँडिंग असून पण ते नाही कारण की ह्यांचं पातळ पण झालं ना ते उगत नाही आणि असं फ्लेवरफुल लागतं ह्यांचं पातळ झालं. ह्यांचं पातळ झालं की खराब टेस्ट का. हो चुकी है अब शाम. शाम के 6 बज चुके हैं और एज यूजुअल डेली रूटीन काम जो है मेरा मुझे टेरेस से कपड़े लाने जाने हैं तो जा रही हूँ मैं छत पे.
तो जा रही हूँ मैं छत पे, देखने तो पहले मुझे ऊपर कहीं पे चिपकली है या नहीं। नहीं है। थैंक गॉड, मुझे तो बहुत डर लगता है, और होगी ना तो मैंने यहाँ पे डंडा रखा है, उस डंडे से मैं उसको उसे शुक शुक करके भगा देती हूँ। जुगाड़ है वो अपना, चिपकली का चिपकाड़ जुगाड़। देखो कल से भी आज बेहतर है, ज़रा ग्रो कर रहे हैं। कितने सारे आए हैं भाई, ये तो देखो इसको, मैंने सिर्फ ये छोटा सा पत्ता था, छोटा सा पत्ता लगाया था, इसको और दो आ गए।